आदरणीय प्रदीप जी, निर्देशक MSME इफ्को पटना, और मंशा सिंह सभी विशेषज्ञ, और सामने हमारे, बिल्कुल सही कहा आपने, भावी उद्यमी मित्रों, जागरूकता की जरूरत कब पड़ती है? जागरूकता की जरूरत कब पड़ती है? जब हम उस समय में एक अतिरिक्त जानकारी लेकर और समय के साथ, समय की जो गति है उसके साथ आगे बढ़े, इसलिए जागरूकता की जरूरत पड़ती है। और आप सारे मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, MSME क्या है बताने की जरूरत नहीं है, सम्राट जी बता चुके हैं। लेकिन ये है कि ये जागरूकता इसलिए कार्यक्रम हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। और आपकी जो गति है, जिस गति में आप हैं अभी, उसमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो इस तरह के कार्यक्रम आपको जगाते हैं, या यदि आप जागे हुए हैं तो आपको सही दिशा में जागने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं चूंकि लंबे समय में प्रचार में रहा MSME मंत्रालय के, तो मेरा तो मुख्य काम ही यही था, लोगों को उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करना। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि लोगों को जगाया कैसे जाता है। और आज समाज में आप सभी युवाओं को, खास करके देश में जो 2047 का जो विजन है हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ जागना, बल्कि उस जागी हुई अवस्था में अपनी गति को तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए जरूरी है। तभी हमारा देश जो है उस गति को पकड़ पाएगा और निर्धारित समय में आत्मनिर्भर बन पाएगा। मैं 2-3 बड़े व्यावहारिक बातें करता हूँ। एक तो मेरा ये मानना है, और मैंने समाज में देखा है और अपने अब तक के अपने लंबे अनुभव में देखा है, कि जिंदगी में नकारात्मक कुछ नहीं होता। नकारात्मक जस्ट एक सोच है, और कभी भी दिमाग में नकारात्मक चीज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक कुछ नहीं होता, सब कुछ सकारात्मक है। जो सो कॉल्ड नकारात्मक है, सो कॉल्ड निगेटिविटी है, वो भी पॉजिटिविटी है, वो भी पॉजिटिव चीज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं जब नया नया स्टूडेंट था और पार्ट टाइम रेडियो स्टेशन में काम करता था, तो मैं सरकारी अधिकारी से जाकर काम मांगता था, तो मुझे कहते थे कि 2 घंटे खड़े रहो, तो मैं 2 घंटे के लिए खड़े रहता। फिर वो कहते थे 2 घंटे बैठे रहो, तो मैं बैठ जाता था। फिर वो कहते थे 2 घंटे फिर खड़े रहो, तो मैं खड़े रहता। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो उनको मुझे एंटरटेन करना पड़ा, कार्यक्रम देना पड़ा, एंट्री देनी पड़ी। तो ये जो चीज है, अभी जो भाई बता रहे थे, पी यानी कि पेशेंस, ये जो धैर्य है, ये जो पेशेंस है, ये भी आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। और जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने भी उसको बड़े पॉजिटिव रूप में लिया कि आखिर आप कब तक बचिएगा मुझसे। और युवाओं को तो मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को छीनने की आदत डालनी चाहिए, ग्रैब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और जो हमारी साथी ने कहा, कुछ लोगों ने जो 2-3 है कि नौकरी करने में इंटरेस्टेड है या सरकारी नौकरी, तो मैं उन लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी को लेके बहुत बड़ा भ्रम है, मिथक है कि सरकारी नौकरी बड़ी आराम की नौकरी होती है। नहीं, आप पूरा नहीं मानिएगा, हमारे प्रदीप जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं। और ये सोच के कि सरकारी नौकरी या कोई नौकरी आसान होती है और एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा डिफिकल्ट है, 24 आवर्स की थिंकिंग है, तो ये गलत है। आज की तारीख में देखा जाए तो सब कुछ एक समान है। और जाहिर है कि यदि आप तुलना कीजिए कि आपको नौकर बनना है, चाहे सरकारी नौकर बनना है या प्राइवेट नौकर बनना है, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है या मालिक बनना है, तो ये आपके हाथ में है कि आपको चुनाव क्या करना है, अभी से मालिक बनने की ओर आगे बढ़ना है या कि नौकर बनना है। तो ये जो चीज है, आप ये मान के चलिए कि जो यूथ होता है, यूथ तो बना ही होता है चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, और चुनौतियों को पार करके जब आप पहुंचिएगा वहां तक, तो जो आपको सुकून मिलेगा, और 10 लोगों को भी आप नौकरी दीजिएगा या 100 लोगों को दीजिएगा, 4 लोगों को दीजिएगा, तो जो आपको एक संतुष्टि मिलेगी,
वो बड़ा जबरदस्त है। आपने देखा होगा एक स्पोर्ट्स है हर्डल रेस, उसका नाम ही है हर्डल रेस। देखिए हर्डल है, रेस है, और फिर वो भी एक एंटरटेनमेंट है, एक टारगेट है। तो जिंदगी भी वही है, जिंदगी में जो सो कॉल्ड हर्डल्स हैं उसमें कहीं भी उसको एक दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट के रूप में लेना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को बड़े आराम से हल करते हैं, उसमें भी एंजॉय करते हैं, उसमें भी गेम के रूप में लेते हैं, तो जिंदगी भी वही है। दो तीन चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती है, और इस जागरूकता का मकसद भी वही है क्योंकि आप सब मैच्योर है, यूथ है, बेसिक से आप ऊपर उठोगे। दो तीन चीज है कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या कहाँ से शुरुआत करने के लिए हम क्या देखते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज है, जो बेसिक नीड्स है, जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में लाइफ के अंदर, जिसको आप डे टू डे खरीदते हैं, जिससे आपकी बेसिक नीड पूरी होती है, उसमें एक उसी तरह का प्रोडक्ट ला करके यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं जैसे उन्होंने कहा परफेक्शन। यदि आप क्वालिटी चीज लाते हैं, परफेक्टली लाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उसमें भी आप सस्टेन कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। और बहुत सारे जो देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया जो है मार्केट में इसी तरह के प्रोडक्ट्स आ भी रहे हैं, जो पुराने प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स फिर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि सब प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं कि कैसे साबुन की दुनिया में, डिटर्जेंट की दुनिया में, या कपड़े की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में, मोबाइल के मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट्स ने लाके पछाड़ दिया। आयुर्वेद में कई सारे प्रोडक्ट्स आए, तो वो एक तो क्षेत्र है कि जहां एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है वहां पर आपको